राजस्थान में सरकार ने कोरोना के मरीजों की मदद के लिए एक अलग वेबसाइट तो बना दी है, लेकिन फिर भी लोग भटक रहे हैं। बीकानेर से लेकर जयपुर तक के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मौत की शिकायतें मिल रही हैं। जयपुर से शरद कुमार की रिपोर्ट। कोविड सेंटर के हालात है, रात को 45-45 मिनट एक साथ ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी जाती है। पीबीएम हॉस्पिटल के हालात बहुत विकट होते जा रहे हैं, ऑक्सीजन लगभग अभी आधा घंटा से नहीं है और ये ऑक्सीजन लेवल है जो बहुत नीचे टूट गया है। ये आधा घंटा से देखो इनका ऑक्सीजन लेवल है, ये जो 2-3 पे आ गया है, ये 95 पर मेंटेन करना चाहिए, जो 2-3 पर चल रहा है अभी। राजस्थान के बीकानेर का पीबीएम अस्पताल एक ऐसा अस्पताल जो दावा करता है कि उसके यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस अस्पताल में अपनों का इलाज करवाने वाले ऐसा नहीं मानते और ऑक्सीजन की कमी से मौत का दावा कर रहे हैं। यह पीबीएम हॉस्पिटल कोविड सेंटर में ऑक्सीजन सप्लाई 30 मिनट रुकने की वजह से इन सीरियस मरीजों की मौत हो गई है और ये इनके परिजन है जो बिलक रहे हैं। इतनी लापरवाही इन लोगों की बोल रहे हैं कि हम बाद में उतार देंगे। ये फोन पे लगे रहते हैं, अभी तक डेथ हुए को 10 मिनट हो गए, अभी तक सीनियर डॉक्टर नहीं पहुंचा। यहाँ पीबीएम अस्पताल में मरीजों की जान से हो रहे इस खिलवाड़ के खिलाफ तीमारदार सोशल मीडिया पर अस्पताल की वीडियो वायरल कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से 3 लोग दम तोड़ चुके हैं, जबकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जो मरे वो बेहद गंभीर अवस्था में थे। 24 घंटे की सप्लाई होनी चाहिए ना ऑक्सीजन की, लाइट की, हॉस्पिटल में कोई नहीं है, सब सो रहे, अंदर सो रहे हैं, अंदर सब सो रहे हैं, कंपाउंडर इसमें कोई इंचार्ज नहीं बैठा ना, कोई नहीं है, सब सो रहा है, कोई आता नहीं है, रात को 11 ये देखो लो आ रहे हैं, प्रेशर सबके लो आ रहे हैं, यहाँ कोई नहीं है। राजस्थान में रोजाना 15,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, जिसने राज्य के सरकारी अस्पतालों की हकीकत सबके सामने ला दी है, जिसमें इलाज करवा रहा आम आदमी भेदभाव का भी शिकार हो रहा है। ये देखो पिछले लगभग 45 मिनट से ऑक्सीजन बंद है, सप्लाई बंद हो रही है और ये जो जेलर है, जेलर के लिए अलग से इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने व्यवस्था कर दी है, लेकिन बाकी मरीज भगवान के भरोसे छोड़ दिए गए हैं। जेलर के लिए अलग से ये टंकी लेके आए हैं और अलग से VIP व्यवस्था हो रही है इनके लिए, इनका VIP ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी लोग उधर मरने के लिए छोड़े हुए हैं, कोई किसी को कुछ नहीं देख रहा है, जो VIP नहीं है वो मरेंगे और जो VIP है उनको बचा लिया जाएगा। ये हो रहा है इनके लिए, ये सिलेंडर की व्यवस्था कर दी गई है वो हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा। हॉस्पिटल प्रशासन के लिए सिर्फ एक यही, इतने लोगों में ये है कि कीमती है, बाकी इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है। हर हादसे की तरह बीकानेर के इस अस्पताल में मरीजों की मौत की जांच के लिए 3 डॉक्टरों की कमेटी का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि अगर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो फिर इस अस्पताल के बताए जा रहे ऐसे वीडियो क्यों सामने आ रहे हैं। बीकानेर की तरह जयपुर में भी ऑक्सीजन की कमी से मौत के दावे तीमारदार कर रहे हैं। जयपुर के कालवाड़ के इस खंडाका अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिससे घबराकर अस्पताल का स्टाफ मरीजों को तड़पता हुआ छोड़कर अस्पताल से फरार हो गया, जिसके बाद आज तक संवाददाता शरद कुमार को यहाँ पर मरीज के रिश्तेदार दूसरे अस्पतालों की तलाश में जाते मिले और कुछ इस तरह खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करते मिले। जयपुर के खंडाका अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हुई है। जब मरीज को लेकर आए थे परिजन तो कहा गया था कि 8 दिनों का ऑक्सीजन है, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि 5 लोगों ने एक साथ दम तोड़ा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन कहना है कि गंभीर रूप से मरीज यहां पर लाए गए थे, लेकिन बहुत सारे या देखा जा सकता है कि यहां पर अब ये जाकर कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप यहां से ले जाइए। तो किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं अस्पतालों में यह देखा जा सकता है। यहां पर जो लोग हैं अपने लोगों को यहां पर दाखिल कराया था, तब कहा गया था कि यहां पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या हालत है अभी यहां पर अस्पताल में। स्टाफ नहीं है, जैसे ऑक्सीजन लेके आए अभी स्टाफ बच जाएगा, स्टाफ नहीं है। ये सर
ऑक्सीजन हम सेल लगाएंगे, खुद लेके आते हैं, फिर भी स्टाफ नहीं मिलता, स्टाफ कल बग गया था पूरा। ये जो है सिलेंडर खुद लेके आ रहे हैं, जिनके परिजन परिजन खुद लेके आ रहे हैं, स्टेशन पर सिलेंडर लेके जा रहे हैं, ये स्थिति है। आप लोगों को खुद यहाँ पर सिलेंडर लेके आना पड़ रहा है, अस्पताल में नहीं है? नहीं है सर, नहीं है। राजस्थान में भी हालात बाकी राज्यों की तरह है, जहाँ कोरोना महामारी ने सरकारी इंतजामों की पोल खोल दी है, जिसमें लोग इस तरह से जमीन पर इलाज करवाने को मजबूर हैं, और कुछ को ये भी नसीब नहीं हो रहा। पाली जिले में 65 साल की बुजुर्ग की इलाज न मिलने से मौत हो गई। कोरोना संक्रमित अस्पताल के बाहर आकर भी ऑटो में ही ऑक्सीजन का इंतजार करती रही, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगे तो परिजनों ने हंगामा किया। मरीज के पास पड़ा है, किस काम का, आग लगा लो, इससे बढ़िया हॉस्पिटल। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और बुजुर्ग ने अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ दिया। राजस्थान में ये हाल तब है जब राजस्थान सरकार ने लोगों की मदद के लिए एक वेबसाइट बनाई है, जिसमें कहां कितने अस्पतालों में बेड खाली हैं, इसकी भी जानकारी होने का दावा सरकार करती है। लेकिन जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि जयपुर में जो खाली बेड दिखाए जा रहे हैं वो असल में खाली नहीं है, और जो फोन नंबर दिए गए हैं उसमें एक ने कहा कि ये नंबर बेड बताने के लिए नहीं है, तो दूसरे ने कहा कि अस्पताल में कोई बेड ही नहीं है। वेंटिलेटर खाली है क्या कहीं पर? सर 220-51-76 पर करो सर। वहाँ तो फोन मैंने किया था, उठा के रख दे रहे हैं। बात वही बताएंगे सर। तो आपका नंबर दिया हुआ है मैडम, ये कोविड 19 दिया हुआ है, हमें इनका नंबर दिया हुआ है। वेंटिलेटर आरएचएस में है, जयपुर में कहीं खाली नहीं है। तो आप वेबसाइट पर दिखा रहा है कि 5 खाली हैं। आप किस पे? ये जो कोविड 19 वेबसाइट जहां पर आपका नंबर दिया हुआ है, कौन सा अस्पताल में खाली दिखा रहा है? नहीं, इसमें तो जिलेवार दिखाता है कि कहां पर कितना खाली है, कितना भरा हुआ है, उसमें दिखा रहा है कि 5। मैं तो आपको बता सकती हूं कि आरएचएस जयपुर में खाली थी। तो कहां खाली है बता सकती हैं आप? नहीं सर, अभी तो कहीं खाली नहीं है। तो देखा आप, राजस्थान के अस्पतालों में न बेड और न ही ऑक्सीजन, मरीजों का भगवान भरोसे ही इलाज हो रहा है। और ये इनके परिजन हैं जो बिलख रहे हैं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।